अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग साहब। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आज आपके साथ जो मैं रेसिपी शेयर करूंगी वो है खीर। और खीर मैं इसलिए बना रही हूं क्योंकि आज ग्यारहवीं शरीफ है। आप लोग को भी बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं खीर बनाने जा रही हूं किचन में, तो आप लोग फिर मेरे साथ किचन में चलिएगा। और आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मेरे कमेंट्स अच्छे आ रहे हैं, मेरे व्यूज़ भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, लेकिन मुझे सब्सक्राइब बहुत कम यानी कि मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है। आप लोग मुझे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, लाजमी प्रेस करिएगा और मुझे सब्सक्राइब भी लाजमी करिएगा। फिर चलते हैं किचन। खीर के इंग्रेडिएंट्स, दूध लिया है मैंने 1 kg, पिसे हुए कुटे हुए चावल है ये मैंने लिए 1/2 प्याली, शुगर लिया है मैंने 1 प्याली, खोया लिया है मैंने 1 प्याली, बादाम और पिस्ते और खोपरा ये मैंने अपने हस्बैंड जरूरत लिया है, केवड़ा लिया है मैंने पिसी हुई कुटी हुई यानी कि बारीक पाउडर वाली इलायची ली है मैंने। 1 पतीली में मैंने दूध ये सारा ऐड कर रही हूँ ताकि अच्छे से उबल जाए। दूध में उबाल आ चुका है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ पिसी हुई सब्त इलायची। अब हम इसको 2-2.5 घंटे के लिए पकने छोड़ देंगे ताकि अच्छा सा पक जाए। साथ में मैं ऐड कर रही हूँ बादाम, साबुत बादाम कुछ मैं बादाम ऐड कर दिए। अब ये पक रहा है दूध। दूध को पकते हुए 2 से 2.5 घंटे हो चुके हैं। मैंने बादाम और इलायची पाउडर के साथ दूध को पकाया है ताकि दूध अच्छे से गाढ़ा हो जाए, इसका कलर भी चेंज हो गया है। इसमें चावल है इस पतीली में जो मैंने पीसे थे, वो मैंने 2 घंटे ही भिगो के रख दिए थे। अब मैं इसको दूध में ऐड कर रही हूँ। इस तरह से आप लोग भी ऐड करिएगा। ऐड करते वक्त चमचा चलाते रहिएगा ताकि इसमें लंग्स ना बने। और खीर बनाने से पहले या किचन में आने से पहले आप लोग वज़ू करके आया करें ताकि आपके खाने में जायका आए। दुरूद पाक पढ़ते रहा करें आप लोग ताकि खाने में भी जायका आता रहे। अब हमें इसे चलाते रहना है इस तरह से ताकि चावल और खीर अच्छे से पक जाए। इसमें मैं शुगर ऐड कर रही हूँ। अगर आपको शुगर कम लगे तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा लीजिएगा। मैंने 1 प्याली ली है क्योंकि 1 kg दूध है। खीर देखें माशाल्लाह हमारी हो गई तैयार, गाढ़ी भी हो गई। अब हम इसमें ऐड करेंगे खोया। इसमें हम डाल रहे हैं खोया। मैंने आधा खोया इसमें डाल दिया है और आधा मैं डालूंगी डिश आउट करते वक्त। खीर हो गई गाढ़ी। अब हम इसमें कर रहे हैं ये पिसा हुआ खोपरा ऐड। खोया डालने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ खोपरा। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ केवड़ा। केवड़ा ऐड करने के बाद अब हम इसको करेंगे डिश आउट। इसको कर रहे हैं अब हम डेकोरेट। खीर को कर दिया हमने डेकोरेट खोपरा बादाम और पिस्ते से। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये खीर की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। आप लोग ट्राई करिएगा, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को कैसी लगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह कमल अब अपनी मुराद।